आज तारीख हो चुकी है 14 अगस्त। आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी आईपीएल टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 8 बड़ी खबरें और 8 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपको सभी 8 बड़ी खबरों के बारे में बताऊंगा। तो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 8 बड़ी खबरों की। तो जो सबसे पहली बड़ी खबर निकल कर आती है, वो थी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दरअसल राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स पर है, यहाँ पर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉस टेलर ने एक आरोप लगाया, जहां पर रॉस टेलर ने यह बताया कि 2011 में जब राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इनको काफी बड़े अमाउंट में परचेज किया था और शुरुआती मुकाबलों में ये 0 पर आउट हो गए थे, यानी शुरुआती 3 में से 2 मुकाबलों में ये 0 पर आउट हो गए थे, तब यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के ओनर ने इनको यहाँ पर पड़ जड़ दिए थे। यहाँ पर हर बार 0 पर आउट हो जाने के बाद पवेलियन में लौटने के बाद रॉस टेलर को यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के ओनर ने यहाँ पर थप्पड़ जड़ दिए थे। इसके साथ ही इनको काफी अधिक गालियां दी थी। इनको बताया था कि करोड़ों रुपए इनको यहाँ पर 0 पर आउट होने के लिए नहीं मिले, बल्कि रन बनाने के लिए इनको करोड़ों रुपए मिले। इस प्रकार का इन्होंने राजस्थान रॉयल्स के यहाँ पर पूर्व ओनर पर आरोप लगाया। हालांकि अब यहाँ पर बीसीसीआई इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकती, जहाँ पर राजस्थान रॉयल्स के ओनर्स अभी तीसरी बार बदल चुके। इससे पहले 2012 में राजस्थान के ओनर बदले थे, इसके बाद 2018 में राजस्थान के ओनर बदले थे, तो अब यहाँ पर वो ओनर आईपीएल में नहीं है। तो यहाँ पर बीसीसीआई हाल फिलहाल में तो इसमें कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग कि इस प्रकार के इंसिडेंट और भी टीमों में हो रहे होंगे या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती है एमएस धोनी की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर एमएस धोनी के नई इंस्टाग्राम की यहाँ पर प्रोफाइल पिक देख पा रहे होंगे, जहाँ पर एमएस धोनी ने नेशनल फ्लैग वाली यहाँ पर अपनी इंस्टाग्राम की यहाँ पर प्रोफाइल पिक अपडेट कर दिए, जहाँ पर एमएस धोनी सोशल मीडिया पर मोस्टली एक्टिव नहीं होते, लेकिन एमएस धोनी ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर आकर यहाँ पर अब इंडियन फ्लैग वाली यहाँ पर डीपी लगे इंडियन फ्लैग वाली यहाँ पर नई प्रोफाइल पिक अपडेट करी। अब बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तो जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आती है वो बीसीसीआई की तरफ से। दरअसल बीसीसीआई ने कल इंडियन प्लेयर्स के मिनी आईपीएल में खेलने को लेकर, इसके साथ ही विदेशी लीगों में खेलने को लेकर एक बड़ा फैसला बीसीसीआई ने लिया। जहाँ पर पहले खबरें थी कि मिनी आईपीएल में इंडियन प्लेयर्स यहाँ पर खेल सकते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अब इंडियन प्लेयर्स के मिनी आईपीएल में खेलने पर यहाँ पर पानी फेर दिया। बीसीसीआई ने बताया कि यहाँ पर विदेशी लीगों में, इसके साथ ही मिनी आईपीएल में केवल उन्हीं खिलाड़ियों को अनुमति मिल पाएगी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट को छोड़ चुके, इसके साथ ही आईपीएल से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल करंटली एमएस धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट को तो छोड़ चुके, लेकिन आईपीएल से रिटायरमेंट अभी तक उन्होंने नहीं लिया है। तो इसी वजह से एमएस धोनी चाहकर भी मिनी आईपीएल का भाग नहीं बन पाएंगे। मिनी आईपीएल में खेलने के लिए उनको यहाँ पर आईपीएल से भी रिटायरमेंट लेनी होगी। इसके साथ ही बीसीसीआई ने यहाँ पर यह भी बता दिया कि जो करंटली यहाँ पर इंडियन क्रिकेट के अंडर में आते हैं, यानी बीसीसीआई के अंडर जो खिलाड़ी आते हैं, वो मिनी आईपीएल में कोच या फिर मेंटोर भी नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल एमएस धोनी यहाँ पर जॉनबर्ग सुपर किंग्स के मेंटोर या फिर कोच बनने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर एमएस धोनी चाहकर भी ना इस टीम की तरफ से खेल पाएंगे, ना इस टीम के ये कोच या फिर इस टीम के मेंटोर बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर बीसीसीआई ने अपनी तरफ से तो साफ कर दिया कि हाल फिलहाल तो इंडियन खिलाड़ियों को विदेशी लीगों की यहाँ पर अनुमति परमिशन नहीं मिलेगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग ये बीसीसीआई का सही फैसला, सही डिसीजन है या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर की। तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती है मिनी आईपीएल के ड्राफ्ट को लेकर। दरअसल पिछले 2 दिनों से चल रहे मिनी आईपीएल के ड्राफ्ट में काफी सारे खिलाड़ी यहाँ पर बिके। एक टीम मैक्सिमम 5 खिलाड़ियों को ड्राफ्ट कर सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर मिनी आईपीएल में खेलने वाले सभी टीमों के यहाँ पर खिलाड़ी देख पा रहे होंगे, जिन खिलाड़ियों को अब तक इन टीमों ने ड्राफ्ट किया, आप उन सभी खिलाड़ियों की फोटो देख पा रहे होंगे। कुल मिलाकर अब तक इन खिलाड़ियों को यहाँ पर टीमों ने ड्राफ्ट किया। हो सकता है कि आज यहाँ पर ड्राफ्ट के आखिरी दिन हमें कोई और खिलाड़ी यहाँ पर ड्राफ्ट होते हुए देखे। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सभी टीमों के यहाँ पर स्क्वाड को लेकर, ड्राफ्ट को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी वजह से बिना किसी देर के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, और आप कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर मिनी आईपीएल को लेकर, मिनी आईपीएल के ऑप्शन को लेकर एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब हम बात कर लेते हैं पांचवी बड़ी खबर की। तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती है जसप्रीत बुमराह की तरफ से। दरअसल जसप्रीत बुमराह अपनी यहाँ पर बैक इंजरी के चलते हुए करंटली एशिया कप से बाहर हो चुके, लेकिन यहाँ पर जसप्रीत बुमराह को लेकर इंडियन क्रिकेट के लिए बुरी खबर है। यहाँ पर खबर ये भी है कि जसप्रीत बुमराह करंटली T20 वर्ल्ड कप के लिए भी डाउटफुल है। अभी भी T20 वर्ल्ड कप में खेलने के इनके केवल 50% चांस है, 50% चांस है कि ये T20 वर्ल्ड कप से रूल्ड आउट हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर इंडियन फैंस को एक बड़ा झटका लग सकता है, यहाँ पर बीसीसीआई के लिए और पूरी इंडियन क्रिकेट के लिए बुरी खबर हो सकती है। कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह आज की तारीख में तो 50% T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो
हो रहे हैं आप कमेंट करके बताइए। अगर जसप्रीत बुमराह T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाते तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा प्लेयर जसप्रीत बुमराह को आखिर स्क्वाड में रिप्लेस कर पाएगा, और बिना जसप्रीत बुमराह के टीम इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड कप आखिर जीत पाएगी या फिर नहीं, आप अधिक से अधिक कमेंट जरूर करें। अब बात कर लेते हैं सातवीं बड़ी खबर की, तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है मिनी आईपीएल के कप्तानों को लेकर। दरअसल मिनी आईपीएल की टीम में अब जल्दी मिनी आईपीएल के लिए अपने कप्तानों की अनाउंसमेंट करेगी, जहां पर लखनऊ की तरफ से ऑलमोस्ट कंफर्म है कि क्विंटन डिकॉक कप्तानी करेंगे, मुंबई के लिए ये कंफर्म है कि यहां पर ब्रेव्स इस टीम के लिए कप्तानी करेंगे। इस प्रकार से यहां पर सभी टीमें अब जल्दी अपने कप्तानों के अनाउंसमेंट करेगी, सभी छह टीमों के जल्द ही हमें यहां पर छह कप्तान देखने को मिलेंगे और वाइस कैप्टन भी देखने को मिलेंगे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी टीमों के कप्तानों को लेकर डिटेल्ड वीडियो देखने को मिलेगी, तो आप वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप कमेंट करके बताइए आप सभी टीमों कप्तानों की वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं। अब बात कर लेते हैं आठवीं और आखिरी बड़ी खबर की, तो जो आठवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती है वह थी वुमेन्स आईपीएल को लेकर। दरअसल वुमेन्स आईपीएल को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है कि मार्च के पहले सप्ताह में हमें वुमेन्स आईपीएल देखने को मिलेगा। चार सप्ताह की विंडो रहेगी, 28 दिन तक वुमेन्स आईपीएल चलेगा। और पहले यहाँ पर बीसीसीआई ने बताया था कि छह टीमों के बीच वुमेन्स आईपीएल होगा, लेकिन अब बीसीसीआई ने ये बता दिया कि पांच टीमों के बीच वुमेन्स आईपीएल होगा। तो पांच टीमों के बीच वुमेन्स आईपीएल होगा, मार्च के पहले सप्ताह में ये टूर्नामेंट शुरू होगा, चार सप्ताह का ये टूर्नामेंट रहेगा। जल्दी वुमेन्स आईपीएल की अब टीमें सोल्ड आउट होगी, उसके बाद वुमेन्स आईपीएल का हमें ऑक्शन देखने को मिलेगा। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर प्रॉपर वुमेन्स आईपीएल कराने का बीसीसीआई का सही डिसीजन, सही फैसला है या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।